मधुबापुर प्रखंड क्षेत्र के पखरौनी में भाजपा के द्वारा लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष योगेंद्रनाथ झा ने किया, जबकि संचालन कामाख्या नारायण ठाकुर ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री यादव ने कहा कि आज देश में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार जन सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दों पर कड़े निर्णय के अनुसार कार्य किया है। गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समेत सभी तबके को ध्यान में रखकर सरकार ने योजनाओं को लागू किया है। मोदी में हर घर बिजली, गरीबों को मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना से गैस, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, सभी का जनधन खाता समेत दर्जनों जन कल्याणकारी योजना लाकर देश के लोगों का कल्याण किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे विश्व में भारत का सिर्फ गर्व से ऊंचा उठा है। भारत एक नई शक्ति बनकर उभरा है, जिससे पाकिस्तान समेत चीन और अन्य दुश्मन देश खलबला उठा है, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिससे समाज और देश विखंडित होता है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर मोदी सरकार को जिताकर देश को सशक्त बनाना है। मौके पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर के अलावे जिला महामंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, मंडल महामंत्री सह मुखिया अनिरुद्ध राय, जिला पार्षद मनीष झा, हरलाखी मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह, बौरहर मंडल अध्यक्ष अनिल भारती, सरपंच बलराम झा, निखिल झा, दीपक यादव, नरेंद्र ठाकुर, अजय भगत, दीपक सिंह, गौरी शंकर महतो, गुड्डू झा, हरि मोदी, बीरेंद्र उर्फ रुन्नू प्रति, नरेश यादव समेत अन्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बाद में काफी देर से एहिठम बैठल और आई कार्यक्रम के बाद फिर हमरा पंडौल में जाके और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है, लगातार कार्यक्रम चल रहा है, पूरा महीना कार्यक्रम चल रहा है और जगह जगह एक एक दिन में हम लोग कई कई जगह जा पड़े ते लग ज्यादा नहीं कह, बाकी तो वक्ता सब सब बात अपन कह चुकला। नरेंद्र मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बनल और आई 23 ईस्वी है, 6 महीना लगभग चल गए, आधा चल गए, लेकिन अहां सब अनुभव करे हो कि नरेंद्र मोदी जी से पहले 14 से पहले आई देश के की हाल रहा है और 14 के बाद आई देश में की परिवर्तन है। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार के बेटा, बहुत ऐसा माय बहन बैठल छे, नरेंद्र मोदी जी के माता घर घर चौका करे छलखिन, बर्तन नाशन करे छलखिन और हुनकर पिताजी स्टेशन पर चाह के दुकान करे छलखिन। नरेंद्र मोदी जब स्कूल में टिफिन होय छले तो नरेंद्र मोदी जी भी चाह के पहुंचबे छलखिन रेल के डिब्बा में, कोई दुख के देखने छथिन, कोई गरीबी के देखने छथिन, वही गरीबी माँ के पीड़ा के देखने छथिन, भूखमरी की वही के देखने छथिन नरेंद्र मोदी। पैसा के अभाव में गरीब केना मिल जाए है, स्वास्थ्य के अभाव में गरीब केना मिल जाए है, दवा के अभाव में गरीब केना मरे है, उन नरेंद्र मोदी जी वो देख के आये छथिन और अनुभव क के आये छथिन। जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनलखिन 14 में तो पहला भाषण में कहलखिन कि हमारी सरकार ये गरीबों के लिए समर्पित है। जब नरेंद्र मोदी वो गद्दी पर बैठल थे तो उनका दृष्टि कहां गेली, सबसे पहले नीचा पोदान पर बैठल व्यक्ति के, जो गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, जगह आज तक कोई पूछलक नहीं, नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि वही पर गई, जगह आज तक सम्मान नहीं दिलक को पार्टी, कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक राज के ला या बिहारों में बहुत पार्टी बना, 15 साल तक एगो पार्टी के शासन न है, वैसे पहले कांग्रेस पार्टी के शासन न है, कहियो इन पर ध्यान नहीं दिलक, सिर्फ वोट के मशीन अहां सबके समझ लग, आई गांव में जो सुविधा मिल रहा हम वैसे पहले जाए छे गांव घर में घूमे, अगर देख रहा जो पंखा चल रहा है, घर घर में बिजली है,
बड़ बुजुर्ग बैठल गांव भर में बिजली नहीं रहा है, न तार रहा है, न पोल रहा है, न ट्रांसफॉर्मर रहा है, और लोग मटिया तेल के सहारे जिंदा हो चले डिबिया जलवे का। लेकिन वही समय के डीलर जब गरीब आदमी मटिया तेल लावे जाए चला डीलर की यहां, तो डीलर वही गरीब आदमी के गर्दन में गमछा लगा के वहीं से भागा दे चला, अहां के टीना के फेंक दे चला, तेल में दे चला डीलर। ऐसा माता बुजुर्ग बैठल छे बूढ़ पुरा साँझ में वो डिबिया के जलबे चली, साँझे खाना बनबे चली, अपन डिबिया के बुझा कर वो अन्हार घर में सुत रहे चली, या वो खतरा उठा कर अन्हार में वो भगवान भरोसे सुतल रहे चली, अन्हार में की हुए तहां के साथ नहीं हुए, और बहुत जगह दुर्घटना घट जाए। आई नरेंद्र मोदी जी अलग घर घर में आई बिजली लगा दे, बहुत ऐसा माता बहन पहुंचे बैठल छी गांव भर के। अब हम सब जाए छी तो जगह जगह मोबाइल से हमर सब को फोटो खींचत रहे छी या वीडियो बनवत रहे छी, गरीब महिला सब गांव भर में हम देखे छी जे घास काटे महिला जाए है, घास काटे ओकरो छिट्टा में मोबाइल रहे, पहले टेलीफोनो रहे घर में, आ जकरा यहाँ टेलीफोन रहे अमीर के यहाँ, आ घर के जे कोई कमाए वाला बाहर रहा तो लाइन में लगल रही टेलीफोन लाकर घर वाला के यहाँ कहे हम बैठल छी घंटा दू घंटा लाइन में लगल रह छी, तब टेलीफोन पर बात करलक तो हफ्ता दू हफ्ता में कहियो कहियो बात हो। मोबाइल है जखनी मोन है तखनी बतिया लै छी, घर में एगो मोबाइल नहीं, जितने घर में सदस्य है उतने घर के हाथ में मोबाइल है। अहां सब खाली अध्ययन देवे चाहे छी कि बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, हर गांव में जाओ तो नौजवान सब बाहर कमाए जाए, बहुत आदमी सीजनल वर्कर, अभी जी देखे जो बहुत आदमी की अभी पंजाब जा रहा है काम करे ला, जब बाहर है चला आप पैसा जब भेज चला मनी ऑर्डर पैसा, मनी ऑर्डर पैसा भेजलक डाकिया के पास आयल, बहुत डाकिया अपने पास वो पाई के नहीं खेल, बहुत बहुत दिन तक पाई नहीं खेल, पता लागल तो डाकिया पर पंचायती हो चला तो वो पैसा दे चला, क्या क्या दिन में पैसा आवे चला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बगैर पाई के बैंक में जनधन योजना से यहाँ सबके खाता खोल देवे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।